बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको टॉपिक कराऊंगा रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन। डिफरेंशियल क्वेश्चन में अगर आपने सॉल्व करना हो सेपरेबल वेरिएबल को, किस तरह रिड्यूस करके उसको सेपरेबल बनाया जाता है, राइट। एक तो हमने पहले इससे पहले लेक्चर में किया था जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सेपरेट करके हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया था। अब जो हम करेंगे, हम उसको सेपरेट करने के लिए हम उसको फॉर्म बनाया करेंगे, उसे कन्वर्ट किया करेंगे सेपरेबल, रिड्यूस किया करेंगे सेपरेबल में। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो कि प्रैक्टिस से आपको होगा, जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस सेवन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसे हम रिड्यूसेबल टू सॉल्वेबल, हम जिसे सेपरेबल वेरिएबल से करना चाह रहे हैं उसे हम रिड्यूस करेंगे सेपरेबल में। अभी ये सेपरेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक्स वाई, जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी एक्स वाई इकट्ठा आ जाएगा, जो सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए सेपरेबल में आप पुट कर दिया करेंगे, पुट करेंगे आप जो स्केयर के अंदर आपके जो वैल्यू है उसे पुट कर दिया करेंगे, जो कि माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। जब आप पुट करेंगे तो फिर आपको डी वाई डी एक्स की वैल्यू भी यहां से निकालनी होगी। हम डी वाई डी एक्स की वैल्यू भी निकालते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास डी जेड ओवर डी एक्स प्लस टू। ये आपके पास वैल्यू आ गई जो कि हमने डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी। ये हम ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, जब पुट करते हैं हमारे पास आएगा नाउ डी वाई जेड ओवर डी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस सेवन, जेड स्क्वायर माइनस सेवन। डियर स्टूडेंट्स, इस टू को शिफ्ट कर देंगे आप सेपरेट करने के लिए, तो ये होगा डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इस टू को शिफ्ट किया तो जब माइनस होगा विच विल बी जेड स्क्वायर माइनस नाइन, राइट। अब सेपरेट करती है जेड की टर्म्स एक साइड पर, एक्स वाली एक साइड पर, डी जेड ओवर जेड स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू डी एक्स। अब आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, दोनों वेरिएबल सेपरेट हो गए जो कि z एक साइड पर x एक साइड पर। जब सेपरेट हो तो इंटीग्रेट कर देते हैं, हम इसे इंटीग्रेट करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट किया इंटीग्रल डी जेड ओवर जेड स्क्वेयर माइनस नाइन इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स। डियर स्टूडेंट, यहां पर आपके पास फॉर्मूला होता है जो कि हम यूज करते हैं इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन ओवर टू ए नेचुरल लॉग एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहां पर, क्योंकि ए यहां पर थ्री है, नाइन को हम लिख सकते हैं थ्री का स्क्वेयर, हम नाइन को थ्री का स्क्वेयर लिखते हैं तो बिल्कुल हमारी कन्वर्शन हो जाएगी फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसे एक्स वाले तो एक्स की जगह जेड है और ए की जगह आपका थ्री है, तो क्या होगा वन ओवर टू ए, वन ओवर टू ए यहां पर थ्री आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ जेड माइनस थ्री ओवर जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। आप देख सकती हैं कि बिल्कुल ये फॉर्मूला, चूंकि हमारे पास एक यहां पर थ्री था टू ए टू ए टू ए लॉग ऑफ जेड माइनस ए और जेड प्लस ए, राइट। अब ये सिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास होगा जेड माइनस थ्री ओवर जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस सी। अब एंटी लॉग लें, ये होगा जेड माइनस थ्री ओवर जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू ई रेस टू पावर सिक्स एक्स प्लस सी। मैंने दोनों साइडों पे एंटी लॉग लिया,
अब हम इसे लिख सकते हैं जेड माइनस थ्री ओवर जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू ई पावर सिक्स एक्स ई पावर सी, ये मैंने सेपरेट कर दिया, सिक्स एक्स को मैंने ज्यादा कर दिया और ई पावर सी एक कॉन्स्टेंट है, इसे सी वन कर दो, जेड माइनस थ्री ओवर जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू सी वन ई पावर सिक्स एक्स, क्योंकि ई पावर सी एक कॉन्स्टेंट सी वन कह दिया। अब क्रॉस करो जेड की वैल्यू, रिटर्न कर दें, आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल सेपरेबल रिवर्स सॉल्व हो गया, हमारे पास आगे जेड माइनस थ्री सी वन ई पावर सिक्स एक्स इंटू जेड प्लस थ्री, जेड की वैल्यू जो आपकी वो रिटर्न कर दें, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस वेरिएबल में क्वेश्चन हो उसी वेरिएबल में सॉल्यूशन भी लिखना होता है, जिस वेरिएबल में आपको क्वेश्चन दिया हो उसी वेरिएबल में आपने सॉल्यूशन लिखना होता है। अब यहाँ जेड जेड तो मैं खुद सपोज किया था, तो आप रिटर्न करेंगे वैल्यू तो क्या आएगी, माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री सी वन ई पावर सिक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री, ये आपके पास आंसर हो गया इसका जी आपके। तो आपने देखा कि हम इसको जो सॉल्व कर रहे हैं किस मेथड से कर रहे हैं, रिड्यूसेबल टू सेपरेबल वेरिएबल, कि हमने इस क्वेश्चन को सेपरेट में कन्वर्ट कर, सेपरेबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सॉल्व, क्योंकि जब हमने ये किया आपको जेड और एक्स में आ गया, आराम से आपने इजीली इसे सेपरेट कर लिया, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर ये सेपरेट नहीं हो सकता था, हमने उसे पुट कर दिया। तो जब भी आपने रिड्यूसेबल टू सेपरेट करना हो तो आप देखते हैं जहाँ एक्स वैल्यू टर्म्स इकट्ठी आ जाए, कलेक्टिव टर्म ना जाए, उसे आप पुट कर दिए करें, आप देखें आप इसीलिए आपका सॉल्व हो सकेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन को किस तरह सेपरेट वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट वेरिएबल में सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। वैसे तो ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता, अगर मैं एक्स प्लस वाई आ गया तो ये तो कभी सेपरेट हो ही नहीं सकता। तो हम एक्स प्लस वाई को पुट कर देंगे, एक्स प्लस वाई को हम पुट कर देंगे जेड के इक्वल। जब जेड के इक्वल पुट करेंगे तो जाहिर है कि डी वाई डी एक्स भी लाजमी यहाँ से निकालनी पड़ेगी। हम यहाँ से डेरिवेटिव लेते हैं ताकि डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकल आए। तो हमने देखा कि एक्स का डेरिवेटिव 1 आया और y का dy dx dz over dx आ गया। अब dy by dx की वैल्यू जो निकल आई वो आ गई हमारे पास dz over dx माइनस वन। अब ये इसकी जो वैल्यू यहाँ पे पुट करती है, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास आएगा dz over dx is equal to dz over dx माइनस वन is equal to माइनस वन इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर जेड ओनली, टेंजेंट स्क्वायर जेड। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें हम वन को शिफ्ट करते हैं या हम टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू लगा देते हैं सेकेंड फॉर्म में, डी जेड ओवर डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर जेड माइनस वन, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट स्क्वायर z इज इक्वल टू वन प्लस सीकेंड स्क्वायर z के इक्वल होता है, राइट। बेसिक आइडेंटिटी जो होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक की, तो हमने वो यूज़ की, हमने इसकी वैल्यू रख ली। अब ये माइनस वन और ये वन कट गया, माइनस वन कट गया, हमारे पास आ गया डी जेड और डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर z आ गया। अब हम सेपरेट करते हैं z वाली टर्म्स एक साइड पर और बाकी एक साइड पर कर देती हैं, डी जेड ओवर सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल डी एक्स, इसे इंटीग्रेट कर दें ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल डी जेड ओवर सीकेंड स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी एक्स। डी स्टूडेंट्स, वन और सीकेंड स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स। अब याद रखें कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसे डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ता है। सीकेंट स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, हम इसे डबल एंगल डिवाइड कन्वर्ट करने के टू से डिवाइड करते हैं और टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ये होगा हमारे पास इंटीग्रल डी एक्स, क्योंकि वो पता है टू कॉस स्क्वायर जेड इक्वल होता है वन बाय टू इंटीग्रल वन प्लस कॉस ऑफ टू जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स। आपने देखा कि हमने इस टू कॉस स्क्वायर जेड को कन्वर्ट कर दिया डबल एंगल में, क्योंकि टू कॉस स्क्वायर जेड वन प्लस कॉस टू जेड के इक्वल होता है और टू साइन स्क्वायर जेड वन माइनस कॉस टू जेड के इक्वल होता है। तो यहां से मैंने कन्वर्ट किया डबल एंगल में। अब डबल एंगल इसे इंटीग्रेट कर दें, वन की इंटीग्रेशन क्या होगी जी जेड जेड के मुताबिक, और कॉस टू जेड की इंटीग्रेशन साइन ऑफ टू जेड ओवर टू और एक्स प्लस सी होगी। अब टू को चाहे तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या जगह जेड प्लस साइन ऑफ टू जेड ओवर टू इज इक्वल टू एक्स, और जब कोई कॉन्स्टेंट किसी कॉन्स्टेंट किसी कॉन्स्टेंट से करते हैं कॉन्स्टेंट ही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब हम वैल्यूज पुट कर दें, जेड की वैल्यू हमने क्या पुट की थी देखें एक्स प्लस वाई, तो ये आगे एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ टू इंटू एक्स प्लस वाई ओवर टू टू एक्स प्लस सी। डियर स्टूडेंट्स, अगर चाहें तो इसे आंसर यहाँ लिख सकते हैं, चाहें तो आप इस टू से भी मल्टीप्लाई करें सबको, ये आएगा टू एक्स टू वाई साइन ऑफ टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस सी, फोर एक्स को शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस साइन ऑफ टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आपका आंसर होगा। आपने देखा कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया, उसमें भी जहां आपको इकट्ठी टर्म्स आ जाएं अगर उसे आप जेड के इक्वल पुट कर दें तो आप आराम से उसे सेपरेट कर सकती हैं, आराम से उसे सेपरेट कर, चाहे वो अंडरूट में हो, चाहे वो एंगल में एक्स प्लस वाई आए, अंडरूट में आए और स्केयर के अंदर आ जाए, इन सब को पुट करके आप उसे सेपरेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो, प्रैक्टिस के चाहिए आपको क्वेश्चन, तो डियर स्टूडेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन दिए, अपना लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आपको नोट्स वगैरह वो डाल दिए जाएंगे, और प्रैक्टिस करना तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेल भी कर सकते हैं और आप मैसेज भी भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।